नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आपकी स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रास कार्प मछली के लिए फिश फीड बनाने का तरीका दिखाऊंगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं, ग्रास कार्प मछलियाँ बहुत ज़्यादा घास वगैरह खाती है, जिस कारण से इस मछली को ग्रास कार्प के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी फिश फीड का ज़रूरत होता है, और साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा फिश फीड का ज़रूरत होता है, जिसको हम लोग खिला के इस मछली को ग्रोथ में ला सकते हैं। दोस्तों, ये जो फिश फीड बनाने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ये लगभग 100 से लेकर 200 ग्राम साइज़ का मछली के लिए है। इससे छोटा साइज मछलियाँ इस तरह का फिश फीड नहीं कर पाती है, इन्हें उस तरह का फिश फीड करने का आदत भी नहीं होता है। तो इसीलिए आप जब भी इस तरह का फिश फीड बनाए तो आपका पॉन्ड में इस तरह लगभग 100 से लेकर 200 ग्राम साइज़ का मछलियाँ होना चाहिए, तभी इस तरह का फिश फीड करा सकते हैं। दोस्तों, ये ग्रास कार्प मछलियाँ सिर्फ पत्ता गोभी खाती है ऐसा नहीं है, ये मछलियाँ लगभग घास खाती है, या गाय के लिए जो नेपियर घास मिलता है वो भी खाती है। इसके अलावा भी ये मछलियाँ जो केले का पत्ता खाती है, और डाकुइट जो मिलता है, डाकुइट से भी इस मछली का फिश फीड बनाया जा सकता है। इस तरह का बहुत सारी चीज़ है जिससे ग्रास कार्प मछली के लिए बहुत अच्छा खासा फिश फीड बनाया जा सकता है। तो सारे के सारे वीडियो चैनल पे आएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं, सब के सब जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, एक मीडियम साइज़ का ग्रास कार्प मछली औसतन उसका बॉडी वेट का 40 से 50% तक घास खा सकती है, और एक पूरा बड़ा साइज़ का जो ग्रास कार्प मछली है वो अपना बॉडी वेट का लगभग 60 से लेकर 70% तक घास खा जाती है। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ ग्रास कार्प मछलियाँ घास से ही भरी हो जाएगी, तो ये गलत है। इसके लिए इसको दानेदार खाना भी देना होता है, जो मैं इस दानेदार खाना बना रहा हूँ, इसके साथ इस जो गोभी का पत्ता है इसको मिक्स करके मैं फिश फीड तैयार करूँगा। ग्रास कार्प मछली का फिश फीड बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सारे की सारी चीज़ एक वीडियो में मैं इस्तेमाल करके आपको नहीं दिखा सकता, इसमें काफ़ी समय का ज़रूरत होगा। तो इसीलिए मैं छोटा छोटा करके कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहना होगा, तभी आप स्टेप बाई स्टेप सारा चीज़ जान पाएंगे। तो आज जिस चीज़ से मैं फिश फीड बनाऊँगा वो है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का इस्तेमाल करके भी आप ग्रास कार्प मछली के लिए बहुत अच्छा फिश फीड बना सकते हैं। तो इसको बनाने का पूरा तरीका आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिससे आपको ग्रास कार्प मछली का फिश फीड बनाने में भी आसानी होगी और इसको खिलाने में भी आपको आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो चीज करना है, गोभी के पत्ते को छोटे छोटे साइजों में कट लगाना है, छोटे छोटे टुकड़े में बांट देना है। आप जिस तरह से दाव से कर सकते हैं, जो भी मर्जी, आप जिस तरह से जितना छोटा छोटा साइज़ बना सकते हैं उतना ही जल्दी ये मछलियाँ इस चीज़ को खा पाती है। बड़ा साइज़ का जो दाना होता है, पत्ता होता है, उसको खाने में थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा समय लगता है, फिर ये मछलियाँ थोड़ा समय लेके खाती है। लेकिन इसको जो अगर हम छोटा छोटा साइज़ों में टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हैं और फिर फिश फीड के साथ इसको मिलाते हैं, तो बहुत आसानी से ये मछलियाँ फिश फीड खा सकती है। तो आप भी इस तरह से पत्ता गोभी ले लेना, इसको अच्छे से छोटा छोटा साइजों में बांट के इस तरह का टुकड़ा बना लेना। फिर ये जो टुकड़ा बन गया, इसको आपको मिलाना है आपका दानेदार फिश फीड के साथ, जो मैंने पहले बना रहा था। तो इस दानेदार फिश फीड के साथ इस तरह से मिक्सचर करके आप फीड तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास मिक्सचर करने के लिए मशीन है, तो इसको मैं ऐसे ही मिक्सचर कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, आप खुद हाथों से ही इसको मिक्सचर कर सकते हैं, इसके लिए आपको मशीन का कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये जो फिश फीड मैंने बनाया, ये सिर्फ ग्रास कार्प मछलियाँ खाती है ऐसा नहीं है, इसको अच्छे से मिक्सचर करने के बाद इस में से रेहू मछलियाँ भी कुछ इस तरह का खाना खा जाती है। और ये जो पत्ता जो है, ये ज़्यादा मात्रा में अगर आपका पॉन्ड में हो जाए तो ये पत्ता जो गलेगा, इसके बाद इसमें से जूहू प्लांकटन बनता है, जो कातल मछली के लिए भोजन बनता है, रेहू मछली के लिए भोजन बनता है। तो ये वेस्टेज नहीं है, आपको लगता होगा ये वेस्टेज है, बहुत सारा पत्ता अगर पॉन्ड के ऊपर रह जाता है तो उस दौरान हमें जो फिश एक्स्ट्रा पत्ता हो गया वो पॉन्ड को ख़राब कर सकता है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। और इसको किस तरह से मिलाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 100 किलो अगर आपको फिश फीड लगता है, तो उसमें आप 15 से 20 पत्ता गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके उससे ज़्यादा कम कर सकते हैं। आपका पॉन्ड में अगर ज़्यादा ग्रास कार्प मछलियाँ है और इसका खाने का टेंडेंसी ज़्यादा है, बहुत जल्दी फिश फीड खा जाती है, ख़त्म कर देती है पत्ता, उस दौरान आपको थोड़ा ज़्यादा करना है। अगर नहीं खा पाती तो थोड़ा कम कर देना, ये चीज़ आपको खुद ही मेंटेन करना है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप इसको मेंटेन करना सीख जाएंगे अगर आप रेगुलर इसको फिश फीड कराते हैं।
तो दोस्तों दानेदार फिश फीड बनाने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा। आप IMC के लिए जिस तरह का फिश फीड बनाते हैं उसी तरह का फिश फीड को ही ग्रास कप मछली के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। IMC के लिए मैंने फिश फीड बनाने का एक तरीका मेरे चैनल पर डाला हूँ, ये थंबनेल है, इसको देख के आप जान सकते हैं। IMC के लिए जो फिश फीड मैंने बनाने का तरीका बताया उसी तरीके से ही उतना परसेंट से ही आप बना सकते हैं। तो ये जो दानेदार खाना है या जो फिश फीड हम तैयार करते हैं मछली के लिए, तो ये ग्रास कप मछली के लिए कितना परसेंट लगता है, ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारे किसान भाई का मन में ये आता होगा। तो इसके लिए दोस्त मछली का ग्रास कप मछली का बॉडी वेट का लगभग 1.5 से लेकर 2% तक फिश फीड का ज़रूरत होता है। तो इसमें बहुत सारे चीज़ आप मिला सकते हैं, जैसे कि राइस ब्रान, सरसों खल्ली, सोया मिल डस्ट, इसके बाद फिश मील, इस तरह का बहुत सारे चीज़ है जो इसको मिला के आप तैयार कर सकते हैं। तो फिश फीड बनाने का बहुत सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ, बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे है, उसी तरह से ग्रास कप मछली का फिश फीड भी बनाया जा सकता है। दोस्तों इस फिश फीड को देने का भी दो तरीका है, आप दो तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है नेट फीडिंग और दूसरा है डायरेक्ट फीडिंग। सबसे पहले मैं नेट फीडिंग के बारे में बात करता हूं। इससे इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जो नेट देख रहे हैं ये इस नेट में मैं इस तरह का गोला बना के इसमें इस्तेमाल करूँगा और ये मछली यहाँ से खाना खा पाएगी। बहुत सारे किसान भाई बैक फीडिंग करते हैं, अगर ग्रास कप मछली को मैं बैक फीडिंग कराता हूँ, इसमें छोटी सी दिक्कत ये है कि इसमें छोटे छोटे छेद रहता है जिससे ये गोभी का पत्ता जो है वो बाहर की तरफ नहीं आ पाएगा, बैग में अंदर रह जाएगा, तो उस दौरान ग्रास कप मछलियाँ खा नहीं पाएगी। मेरा टारगेट जो है वो है ग्रास कप मछली को फीडिंग कराना, ग्रास कप मछली को खिलाना, इसीलिए मैं नेट फीडिंग करूँगा। बहुत नेट का छेद काफ़ी बड़ा बड़ा होने के कारण इसमें से जो पत्ता है वो ग्रास कप मछलियाँ बहुत आसानी से खा पाएगी और बाकी मछलियाँ भी इसमें से खाना खा पाएगी। जैसे कि हम जानते हैं ग्रास कप मछलियाँ फिश पॉन्ड की बीचों बीच में रहती है, लेकिन फिश फीडिंग के दौरान ये ऊपर तक भी आ जाती है, तो ऊपर की तरफ भी ये मछलियाँ बहुत आसानी से फिश फीड कर पाती है, इसीलिए इसको ऊपर की तरफ फिश फीड कराऊंगा जिससे ये मछलियाँ बहुत आसानी से इस फिश फीड को खा पाए। और जैसे कि मैंने बताया था इसमें सिर्फ ग्रास कप मछलियाँ खाना खाने आती है ऐसा नहीं है, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कातल से लेके रेहू से लेके हर तरह का मछली इस तरह का खाना काफ़ी पसंद करती है और ये खाती भी है। इस मछली के बारे में पूरा डिटेल्स बताना एक वीडियो में काफ़ी मुश्किल है, अगले दो तीन वीडियो में और ज़्यादा जानकारी मैं आपको दूंगा, लेकिन इसमें और थोड़ा सी चीज़ आपको जान लेना है। ग्रास कप मछली अगर आपका पॉन्ड में ज़्यादा संख्या में है तो इसको मेंटेन पॉन्ड को जरूर मेंटेन करना होगा, pH को मेंटेन करना होगा, इसमें अमोनिया बढ़ ना जाए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, नहीं तो थोड़ा सा हल्का गैस होने की वजह से ये ग्रास कप मछलियाँ मर जाती है। तो दोस्तों अभी मैं आपको डायरेक्ट फीडिंग के बारे में बताता हूँ। डायरेक्ट फीडिंग का मतलब है सीधा आप पॉन्ड में दे सकते हैं, इस तरह से गोला बना के दे सकते हैं, पतला हल्का झुरझुरा टाइप का बना के भी दे सकते हैं, ये आपका मछली के हिसाब से है। तो दोस्तों इसके बारे में भी मैं बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ जिसमें इस छोटा साइज मछली को फिश फीड देने का तरीका भी बताया हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा है तो फिर भी बोलता हूँ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।